नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यानी कि दीदी की रेसिपी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन ग्रेवी। तो इसके लिए एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुकर में मैं डाल रही हूँ तेल, कुछ इस तरह से मैंने डाल दिया है। पत्ता तड़के के लिए 2 इंच डाल रही हूँ दालचीनी। अब मैंने लिया है 3 बड़े प्याज, डाल दे रही हूँ इसके अंदर, इस तरह से बिछा दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च डालना है। मैंने 5 से 6 लाल मिर्च डाले हैं, तो इसे हल्का सा भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी नमक ताकि ये गल जाए प्याज। और मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी भी 1 चम्मच। अब मैं इसके बाद डाल रही हूँ चिकन। तो ये चिकन को मैं कुछ इस तरह से इसमें बिछा दूंगी। अब इसे ढक दूंगी, अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी बंद। तो मैं इसे चला ले रही हूँ 5 मिनट, इसे ऐसे ही भूनना है। वेल दोस्तों, मैं इसमें मसाले कुछ रोस्ट कर ले रही हूँ, जैसे कि काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लवंग, और साथ ही साथ जीरा, जिन्हें रोस्ट करके मैं पीसूंगी। टीका सा रोस्ट करके इसे मैं लहसुन भी डाल दिया है। और मैं ये डाल रही हूँ धनिया के सीड्स, जो साथ ही साथ हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फिर इसके बाद पीस के फिर चिकन में इसे ऐड करना है। तो इससे बहुत अच्छा ग्रेवी और खुशबू लाजवाब रहती है। तब मैं इसे पीस लूंगी। ये पीसे हुए मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे भूनना है। देखिए इसका कलर, 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें 1 चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, आप भी कोई भी डाल सकते हैं इसे। और मैं चला दे रही हूँ, तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल रिलीज ना हो जाए। तो देखिए इसका कलर कैसे आया है। मैं इसमें से थोड़ा मक्के का आटा डाल रही हूँ, इससे ग्रेवी और अच्छी होती है। तो ये एक सीक्रेट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कटोरी पानी। आप अपने हिसाब से, आपको कैसी ग्रेवी चाहिए आप डाल सकते हैं। अब मैं इसे, ये चिकन कुक हो चुका है। ये चिकन तो तैयार हो गई है, चिकन ग्रेवी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।